जोशी और आराधना शाह की मोस्ट अवेटेड फिल्म रोमांटिक फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया 9 फरवरी 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म को दर्शकों के साथ क्रिटिक्स का भी ढेर सारा प्यार मिला। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कीर्ति सेनन फिल्म में रोबोट सिपेरा की भूमिका निभाती है, जो आर्यन शाहिद कपूर के लिए रोमांटिक भावनाओं को विकसित करती है। दोनों की अतरंगी लव स्टोरी आपको खूब एंटरटेनमेंट करेगी। शाहिद कपूर की फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन सामने आ गया है, तो हम आपको बताते हैं कि शाहिद कपूर की फिल्म ने कितने का कलेक्शन किया। इससे पहले हमको बता दें कि फिल्म की कहानी आर्यन शाहिद कपूर की है, जो एक महत्वाकांक्षी रोबोट इंजीनियर है। उसको अपने काम पर इतना फोकस है कि उसे सपने में भी रोबोट से ही शादी की आती है। ऐसा नहीं है कि वह शादी नहीं करना चाहता, लेकिन उसकी विश लिस्ट अपनी पत्नी के लिए बहुत ही लंबी है। इसी बीच उसकी मौसी डिंपल कबाड़िया अपनी रोमांटिक दुनिया दिखाने के लिए उसे अमेरिका बुलाती है। अमेरिका में उसकी मुलाकात सिप्रा कीर्ति सेनन से होती है। आखिरकार आर्यन फैसला कर लेता है कि वह सिप्रा से शादी करेगा। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया रिलीज के कुछ घंटे बाद ही ऑनलाइन पायरेसी का शिकार हो गए। फिल्म कई टॉरेंट साइटों जैसे फिल्मवे, ऑनलाइन मूवी वॉचेस आदि में उपलब्ध है। दर्शक इसे फिल्म डाउनलोड कर देख रहे हैं। नवीनतम दर्शकों अमित जोशी और आराधना शाह द्वारा निर्देशित इस फिल्म की अवधि 143.15 मिनट या 2 घंटे 23 मिनट और 15 सेकंड है। केंद्रीय फिल्म इस प्रमाणन बोर्ड CPSC द्वारा यू प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। तेरी बातों में उलझा गया कि शाहिद कपूर ने लगभग 23-24 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं और उन्हें बाकी स्टार्स में सबसे ज़्यादा पैसे मिले। फिल्म की फीमेल लीड यानी कृति सेनन कथित तौर पर रोबोट की भूमिका के लिए 4.5 करोड़ रुपये फीस ली है। तो बताते हैं आपको पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, तो हमारी रिपोर्ट के हिसाब से 6 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। और शाहिद कपूर और कृति सेनन की फिल्म सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने के बाद अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। हालांकि अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई और नई मेकर्स की ओर से कुछ कहा गया। मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।